दोस्तों आपने देखा होगा कि फिल्मों में एक्टर और एक्ट्रेस एक ही गाने में कई कई ड्रेस बदल लेते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद इन कपड़ों का क्या होता है? क्या इनको बेकार या उतरन समझकर फेंक दिया जाता है या फिर बाजार में बेच दिया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों पुराने कपड़ों को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यशराज प्रोडक्शन में बनी फिल्मों में सारे कॉस्ट्यूम पेटी में बंद करके रख लिए जाते हैं। हर पेटी पर लेबल लगा होता है जिससे पता चल जाता है कि किस फिल्म में किस लीड स्टार और सपोर्टिंग एक्टर ने कौन कौन से कपड़े पहने थे। इसके बाद जब कभी भी इसी प्रकार के कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं कपड़ों को दोबारा अदल बदल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। कई बार कपड़ों को चैरिटी के लिए नीलाम कर दिया जाता है और इससे प्राप्त रुपयों को समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सलमान खान के एक फैन ने उनका तौलिया लगभग 1.5 लाख रुपये में खरीदा था। सलमान ने यह तौलिया फिल्म मुझसे शादी करोगी में इस्तेमाल किया था। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय की फिल्म रोबोट के कुछ आउटफिट नीलाम किए गए थे और इससे मिले पैसों को चैरिटी के लिए लगा दिया गया था। इसके अलावा फिल्म देवदास में माधुरी दीक्षित ने जो हरे रंग का लहंगा पहना था वह लहंगा 3 करोड़ रुपये में बिका था। कुछ डिज़ाइनर ऐसे होते हैं कि फिल्म में इस्तेमाल हुए कपड़ों को वापस ले लेते हैं। इनसे इन डिज़ाइनर के कपड़ों का विज्ञापन भी हो जाता है और फिर बाद में उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। आपको बता दें कि मनीष मल्होत्रा, अंजू मोदी और रितु बेरी ज़्यादातर फिल्मों के लिए अपने डिज़ाइन के कपड़े वापस ले लेते हैं। कई बार किसी एक्टर या एक्ट्रेस को कोई ड्रेस पसंद आ जाए या फिर कोई आउटफिट अपने हिसाब से डिज़ाइन करवाए तो वह उसे अपने पास रख लेते हैं। जैसे फिल्म कमबख्त इश्क गाने में करीना कपूर ने ब्लैक कलर की जो ड्रेस पहनी थी उसकी कीमत 8 लाख रुपए थी और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने वो ड्रेस करीना कपूर को गिफ्ट कर दी थी। कुछ प्रोड्यूसर सप्लायर को कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जैसे प्रोड्यूसर किसी कपड़े के सप्लायर से टाई अप कर लेते हैं जिसके बाद वह हर मौके के हिसाब से कपड़े मंगवाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद कपड़ों को वापस भिजवा दिया जाता है। यानी फिल्म की शूटिंग के बाद सप्लायर को कपड़े वापस लौटा दिए जाते हैं जिससे उन्हें कम कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि फिल्मों में पहने कपड़ों का क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।